नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। मैं हूं लीली और कार्यक्रम का नाम है जरा हटके। जी हाँ दोस्तों, मंदिर तो हम सभी जाते हैं और मंदिर में कभी भगवान को लड्डू, पेड़े, फल, मिश्री इन सभी का भोग भी लगाते हैं। लेकिन लगता है बदलते समय के साथ साथ भगवान की पसंद भी अब बदलने लगी है। और यही वजह है कि भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान को मिठाई से ज्यादा चॉकलेट पसंद है। जी हाँ, आपने सही सुना, आमतौर पर बच्चों की पसंदीदा चॉकलेट अब भगवान को भी पसंद आने लगी है। तो चलिए बताते हैं आपको कि कैसे मिठाई खाने वाले भगवान को अचानक लगने लगा चॉकलेट का भोग। ये है दक्षिण भारत के केरला में स्थित अलपुजा जिले का बालसुब्रमण्यम का मंदिर। दक्षिण भारत के केरला में स्थित अलपुजा जिले का बालसुब्रमण्यम का मंदिर, जहां भोग में भक्तगण चॉकलेट चढ़ाते हैं। मंदिर के इस नजारे को देख आ गया ना मुंह में पानी। तो अब सुनिए कि अचानक मिठाई और फलों के भोग की जगह क्यों लगने लगा बालसुब्रमण्यम को मंच चॉकलेट का भोग। दरअसल लगभग 8 साल पहले एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई और वो नींद में भगवान मुर्गन को पुकारता रहा, जिसके बाद बच्चे के माता पिता उसे बालसुब्रमण्यम के इस मंदिर में ले आए। बच्चे को प्रसाद खिलाने पर बच्चा मंच की जिद करने लगा, जिसके बाद भगवान को मंच का चढ़ावा चढ़ा और बच्चे को मंच का प्रसाद खिला दिया गया। प्रसाद खाकर बच्चा एकदम ठीक हो गया। बस फिर क्या था, भक्त और उसकी भक्ति का कमाल देखिए। जैसे जैसे लोगों को इस बात का पता चला तो लोग ये मानने लगे कि भगवान बालसुब्रमण्यम को मंच चॉकलेट पसंद है, और तभी से भगवान को भोग में चढ़ावे में ये मंच चॉकलेट चढ़ने लगी। इतना ही नहीं, अगर किसी की मन्नत पूरी होती है या फिर किसी के घर बच्चे का जन्म होता है तो लोग बच्चे के वजन जितना मंच चॉकलेट भगवान बालसुब्रमण्यम को चढ़ाते हैं। निराले भक्तों की निराली बातों में बच्चों की तो चांदी ही चांदी हो गई, क्योंकि बच्चों को यहाँ प्रसाद के रूप में चॉकलेट जो मिलते हैं, बहाना भले ही चॉकलेट का हो, लेकिन इससे बच्चे बड़े शौक से मंदिर तो आ ही रहे हैं। और इसीलिए सही कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। नेशन वन के लिए सुष्मिता मुखर्जी की रिपोर्ट। तो ये थी मिठाई खाने वाले भगवान के चॉकलेट के खाने के पीछे की कहानी। और ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानियों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके खास प्रोग्राम नेशन वन की खास पेशकश जरा हटके में। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।